पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि तो हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएँ 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं, आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है, अब हम 23 को चले जाएं फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के भरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित तो सुरक्षित है पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जान, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते, तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं, हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी फर्क है, बिना देखे किसी पर विश्वास करना अंधविश्वास है और जांच परख करके वैदिक परंपरा अनुसार अपने इष्ट पर भरोसा करना विश्वास है। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे कि हम ईश्वर हैं इंसान, तो ये अंधविश्वास है आपका मानना, लेकिन अगर कोई आपकी बाएं पकड़कर ईश्वर से जोड़ रहा ये विश्वास है।